नमस्कार, मैं हूं शिवम यादव। क्राइम रिपोर्ट में सबसे पहले बात यूपी पुलिस के दामन पर लगे दाग। शामली में पुलिस के सामने एक शख्स की हत्या का वीडियो वायरल होने के बाद सूबे में हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दबंगों ने डायल 100 की गाड़ी से खींचकर एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला। वारदात के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। यूपी पुलिस की करतूत की पोल खोलता ये वीडियो वायरल हो रहा है। जिन्याना क्षेत्र के हथछोया गांव के युवक राजेंद्र कश्यप का शराब के नशे में गांव के कुछ लोगों से विवाद हो गया। पहले उन लोगों ने उसकी पिटाई की और फिर डायल 100 टीम को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तरशपाल को हिरासत में ले लिया। लेकिन जिन युवकों से उसका झगड़ा हुआ वो गिरफ्तारी से खुश नहीं थे। उन्होंने डायल 100 टीम के सामने ही तरशपाल को पीटना शुरू कर दिया। पहले गाड़ी में पुलिसकर्मियों के सामने पीटा और फिर मन नहीं भरा तो गाड़ी से खींचकर नीचे उतारा और उसकी पिटाई की। पिटाई से घायल हुए तरशपाल ने आखिर में दम तोड़ दिया। तरशपाल के परिवार वालों का आरोप है कि गाड़ी के अंदर घायल राजेंद्र को पहले पुलिस वालों ने पीटा और फिर उसे गाड़ी से नीचे फेंक दिया। इसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने उसकी तब तक पिटाई की जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। घर वाली थी इनकी गाड़ी देरता ही। अच्छा। तो मतलब इन्होंने सोचा कि हमें देरा गाड़ी मैं पैर लिकट के सारों ने पीटा गेर कर हमें गेर का पीट का आई तो बिल्कुल बेहोश हो गया तुम्हारा। चलो अभी खाट पर लेटा दिया ले जाकर खाट का फिर 100 नंबर गाड़ी आएगी। 100 नंबर गाड़ी आएगा ना कार में बैठा लिया यू। अच्छा। बैठा भी लिया फिर भी गाड़ी में तैयार कर नीचे तैयार कर पीट आई घूम मैं रेस का वहाँ से। तो पुलिस वालों ने पकड़ रखा था। अच्छा। हाँ। गाड़ी में पकड़ रखा था। अच्छा। गाड़ी में तो नीचे भी पिटो आया गिर गया है। ये हमारी बुआ जी का लड़का है, इसका नाम राजेंद्र है, गांव अच्छोए का रहने वाला है जी। अच्छा। इसके साथ में कल इसने अपनी वाइफ के साथ मारपीट करी होगी तो 3-4 लड़के मोमडन के सामने था। बोल रहा क्यों मार रहा वो उसने थोड़ा उन्हें खास हो गई कुछ उनके साथ में तो उसके मुँह से कुछ गलत निकल गई होगी तो उन्हें क्या काम करा इसका उल्टा कर गया इसका राजेंद्र का बजाया। 6-7 लड़के मुसलमान के थे तो उन्हें फिर 100 नंबर पर फ़ोन करा पुलिस वाले को। वहाँ पर बाइक आया था पुलिस पहुँची 10 मिनट बाद ही। पुलिस पहुँचने के बाद पुलिस ने जो है गाड़ी में अंदर डाला है किसी ने वीडियो बना रखी। वीडियो हमारे पास में 100 नंबर गाड़ी में ही 4 लड़के मुसलमान को ना 100 नंबर गाड़ी में बजाया उसके। पुलिस वाले छोड़कर गाड़ी बगल खड़े हो गए। बगल खड़े होने के बाद पुलिस वालों ने ये नहीं कहा भाई इसका क्यों मारे बल्कि उनके साथ लग के पुलिस वालों ने खुद मारा उनके। मारने के बाद जब लड़का मर गया गाड़ी में ही 100 नंबर गाड़ी में मर गया लड़के की आत्महत्या होगी। उसे बाइक आते नीचे जमीन पर डाल के और गाड़ी लेकर साफ गए। बताओ कहाँ का इंसाफ है इसे जिम्मेदार कानून मान रहे हम जी। पुलिस वाला बाइक आता वहाँ छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। पुलिस जिम्मेदार है इस चीज़ की। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने की सूचना पर आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव है। शामली जनपद के झिंझाना थाना क्षेत्र में 5 व्यक्तियों द्वारा एक युवक को पीट कर हत्या करने की तहरीर थाने पर आई है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। हम अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं।
शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। सर जाम भी लगा हुआ है, वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और हम गिरफ्तारी में लगे हुए हैं, जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। सर एक वीडियो भी वायरल है सर, सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मी भी पिटाई कर रहे हैं सर मृतक युवक की। विवेचना में उसको देखा जाएगा बाद में, अभी हम फिलहाल गिरफ्तारी के लिए लगे हुए हैं। मृतक के परिजन ने जाम लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उधर पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी होगा उस पर कानूनी प्रक्रिया होगी, अगर ऐसी बात है तो उस पर जो भी कानून है वो कानून अपने हाथ में होगा। बहरहाल सच्चाई तो पूरी जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने से सूबे की सियासत गर्मा गई। विपक्ष ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए योगी सरकार पर हमला करते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने को कहा है। लाइव टुडे के लिए शामली से सचिन कुमार। अब बात करेंगे तमंचे पे डिस्को। लखनऊ में गन कल्चर किस तरह से हावी हो चुका है इसकी मिसाल रविवार को देखने को मिली। राजधानी के पॉश इलाके के एक डिस्कोथेक कम बार में पहले महिला से छेड़खानी की गई, उसके दोस्त ने जब विरोध किया तो उसे गोली मार दी। इतना ही नहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए फरार हो गया। विभूति खंड के वेव बॉल का ये वही डिस्को ठेक है जहां तमंचे पर डिस्को हुआ। जी हां, रविवार की रात बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में पहले डांस करने को लेकर कहा सुनी हुई, फिर गोलियां चल गई। दरअसल एलयू के पूर्व अध्यक्ष बजरंगी सिंह बंजू के भांजे अंकित सिंह तमाशा बार में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देर रात ड्रिंक कर रहा था। कुछ देर बाद दोनों डांस करने लगे। तभी 6-7 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और उसकी गर्लफ्रेंड से छेड़खानी कर दी। अंकित ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसे और गर्लफ्रेंड को लात फूसों से पीटना शुरू कर दिया। डिस्कोथेक के कर्मचारियों ने उनको बचाया और मामला बढ़ता देख कार को बंद करवाकर सभी को बाहर भेज दिया। लेकिन मामला यही नहीं थमा। अंकित सिंह और उसकी गर्लफ्रेंड को दबंगों ने पार्किंग में घेर लिया और फिर से मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान एक बदमाश ने अंकित सिंह के पैर में गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश हवा में फायरिंग करते हुए भाग निकले।
सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से आरोपियों की पहचान कर ली गई है। शनिवार की रात को विभूतिकंठ थाना क्षेत्र में एक व्यवमाल है, उसके ऊपर तमाशा जो बार है, रेस्टोरेंट है, उसमें वीकेंड संडे नाइट में जो पार्टी चल रही थी उसमें कुछ लोगों में पहले कहा सुनी हुई ऊपर, उसके बाद वो एक पक्ष नीचे आया और वेट करता रहा, जब दूसरा पक्ष ऊपर से नीचे उतरा तो मारपीट की गई और फायरिंग की गई। उसमें एक अंकित सिंह नाम के व्यक्ति को गोली लगी है, जांघ में गोली लगी है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। जो गाड़ी नंबर और जो बिल पेमेंट किया गया था, कार्ड से बिल पेमेंट किया गया था, मास्टर कार्ड, उसके आधार पर हम लोगों ने डेवलप करके जो जिसने गोली चलाने वाला था उसको आइडेंटिफाई किया गया। वो अजय प्रताप सिंह नाम का व्यक्ति है जो बाराबंकी का रहने वाला है। जो हम लोगों को मुखबिर से सूचना मिली कि ये सब लोग जो फायरिंग करके और घटना के बाद जो है एक साथ बाराबंकी गए थे, तो उसी पे पुलिस टीम गई थी वहाँ पे, और इनके जो फादर थे वहीं पे सब लोग रुके थे, इसके घर पे, अजय के घर पे इनके फादर भी थे वहीं पे। और जब पुलिस टीम गई तो इनके द्वारा जो ये लड़के थे इनको भगा दिया गया, और वहीं पे जो घटना में शामिल गाड़ी थी वो मिली है इनके फादर, ये चूँकि इन्होंने प्रशय दिया इनको और खाना पीना है वहीं पे खाए, भोजन उपलब्ध कराया, तो इनको लाया गया है। वारदात के बाद पीड़ित अंकित सिंह को ट्रामा सेंटर में भर्ती भी करा दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान भी हो गई और पुलिस उनकी तलाश में भी जुट गई है। लेकिन सवाल यह है कि सूबे की राजधानी कब तक ऐसी घटनाओं से दहलती रहेगी, कब तक मामूली सी बात पर रिवाल्वर निकलती रहेगी और गोलियां चलती रहेंगी। राजधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, चाहे वो गोली चलाने का मामला हो या लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला हो। इस समय हम वेब मॉल पे खड़े हैं। वेब मॉल के तीसरे फ्लोर पर तमाशा लॉन्ज स्थित है। तमाशा लॉन्ज में बीती रात एक युवती से छेड़छाड़ की गई। छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके साथी युवक अंकित पे गोली चला दी गई। लगभग 5 से 6 बदमाश थे और 5 से 6 बदमाश असलहे से लेस थे। लड़की ने छेड़छाड़ का विरोध किया था, इसलिए बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अंकित को अस्पताल भिजवाया। पर जिस तरह से आपको बता दें, गेट नंबर 2 पर ही पुलिस चौकी भी स्थित है। पुलिस चौकी पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। इस तरह की घटनाएं राजधानी लखनऊ में आम हो गई है। अब देखना ये होगा इस तरह की घटना पर राजधानी लखनऊ की पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। पर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, इस तरह के लॉन्ज में रात भर शराब चला करती है, पर अधिकारी विभाग इस पर कोई सुध नहीं ले रहा है। लखनऊ से लाइव टुडे के लिए अबू तला। इससे पहले रायबरेली जेल में चल रहे प्रशासन के भ्रष्टाचार का कैदियों ने ही खुलासा किया था। कैसे खाने के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं और 500 रुपए देकर जो खाना कैदियों को दिया जाता है वो शायद जानवर भी ना खाएं। यही नहीं, जेल में कुछ कैदियों की पार्टी का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें शराब के नशे में जेल से धमकी दी जा रही, उगाही की जा रही। अंशु दीक्षित, सनाशी जगदीश प्रसाद दीक्षित, जिला जेल रायबरेली में निरुद्ध हूँ। अभी लखनऊ से जो है मुझे यहाँ पे जेल प्रशासनिक ट्रांसफ़र किया गया है, और अभी पिछले वीडियो में आपने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से शराब और कारतूस, पिस्टल है ना, सब कुछ आता है यहाँ पे, और बिना शुल्क दिए यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। और जो भी आपने देखा दारू या जो भी देखा, ये बिना जेल प्रशासन की मिलीभगत से नहीं आता है। और अभी कुछ दिन से ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे हम लोगों की जो है हत्या की योजना चल रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम लोग जो है यहाँ पे लगातार जो है हम लोग यहाँ पे जो है पैसे दे रहे हैं और शुल्क ले रहे हैं। अब लेकिन जेल प्रशासन जो है हम लोगों की हत्या की साजिश रच रहा है, और हमारे जो साथी हैं जो साथ में रहते हैं, एक सोहराब खान, सना वसीम और डीएस सिंह, जिनका नाम दल सिंगार सिंह है, और सना अजय सिंह, उनकी भी हत्या की साजिश रची जा रही है। और हत्या का तरीका जेल प्रशासन का हमेशा ये रहता है कि जैसे कि अलार्म बजा के जो है हमें पीट पीट के मारा जा सकता है, या हमें पेशी भी भेज के एसटीएफ के द्वारा, जिस तरीके से एसटीएफ मेरी हत्या करना चाहती है पेशी, उस तरीके से जो है हम लोगों की हत्या की जा सकती है। और अगर हम तीनों की हत्या होती है तो इसका सीधा ब्लेम IG STF अमिताभ यस, जिला जेल रायबरेली अधीक्षक PK शुक्ला, जेलर RC वर्मा, डिप्टी
आरसी तिवारी, रामचंद्र तिवारी, इन लोगों पे सीधा सीधा आरोप लगाया जाए हम लोगों की हत्या का, और तीन लोगों की हत्या का आरोप जो है 302 का मुकदमा दर्ज, और सीधा सीधा इन लोगों पे 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए हम लोगों की हत्या का, जो जो भी हत्या की जनता किसी भी, हम लोगों के हिंदुस्तान की जनता से विनम्र निवेदन है, हमें जो है हिंदुस्तान की जनता से पूरा पूरा भरोसा है कि हमारी हत्या नहीं होने दी जाएगी, सिर्फ इसलिए कि ये जो है देश इस तरह की इजाज़त किसी को नहीं देता कि किसी की निर्मम या बेगुनाहों की हत्या करी जाए। अगर हम लोग का मर्डर होता है या किस कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी जेल प्रशासन की होगी। क्राइम रिपोर्ट में इतना ही, आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि कोई भी अपराधी आपके ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। नमस्कार।